हेलो नमस्कार पहाड़, मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूँ देवभूमि भ्रमण में। आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा इलाका बादलों ने कब्जे में कर दिया है। देखिए ये काफ़ी सुंदर मौसम और मैं अभी मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ। ये देखिए मेरा घर भी कब्जे में है बादलों के और थोड़ी देर बाद बारिश होगी क्योंकि बादल तो धीरे धीरे हटने लग गए हैं और उसके बाद बारिश की संभावना है काफ़ी ज़्यादा। रूबी और भालू भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो इतना ज़्यादा फॉग है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम बादलों के अंदर चल रहे हैं। सामने देखिए जहाँ पर रूबी और भालू हैं वहाँ ऐसा लग रहा है कि हम अंदर घुस रहे हैं फॉग के। इतना प्यारा नज़ारा है और अक्सर ये नज़ारा यहाँ देखा जाता है क्योंकि बहुत अच्छी जगह है मेरी। वहाँ मैं अपनी जगह की खुद की तारीफ तो करना नहीं चाहता पर आप सभी लोग देखें कि बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्यारी जगह है और इस जगह को और प्यारी ये बारिश ने बना दिया क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण धीरे धीरे हरियाली और खूबसूरत होते जा रही है। हरी घास और पेड़ भी हरे हरे होने लग गए हैं। अक्सर पहाड़ों में रोड का जिक्र होता है पर रोड यहाँ फिर भी नहीं बनती है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम बहुत अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं पर यहाँ पर संसाधन बहुत कम है। पर खुश हैं हमारे वहाँ केलों का बगीचा भी है, पहाड़ी केले जो बोलते हैं, और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। ये देखिए पूरा बगीचा है यहाँ पर। भालू भी मौसम का जायजा लेते हुए धीरे धीरे बादल की छटनी हो रही है और बारिश का आगमन। आप देख सकते हैं आसमान में छोटे छोटे पंछी भी पूरा मजा ले रहे हैं मौसम का। कैमरे में उतना तो नहीं आएगा पर फिर भी बहुत सारे पक्षी आसमान में बारिश का और मौसम का पूरा मजा ले रहे हैं। दादी तो नहीं रही पर दादी की काफ़ी यादें हैं मेरे पास। ऐसी बारिश होती थी और ज़मीन में जो गुब्बारे टाइप बन रहे, दादी बोलती थी अगर ऐसी गुब्बारे बनते रहे तो बारिश पूरे दिन भर रहेगी। और वो वाक्या वो कथन सिद्ध होते हुए
क्योंकि वो गुब्बारे, काफ़ी गुब्बारे बनने लग गए हैं, हल्की सी बारिश में भी गुब्बारे बनने लग गए हैं। खेत की बुआई करने के बाद खेत हमारे काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। एक तो सीढ़ीदार खेत होने के कारण खेत और भी सुंदर लगते हैं, और जो बीच में बंजर ज़मीन दिख रही है वो हमारे गांव वालों की है, बाकी जो बुआई कर दी है वो हमारी है। आप देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं खेत। और उससे प्यारा मौसम आपको दिखाता हूँ मैं, कितना प्यारा मौसम हो रहा है, ये देखिए मौसम भी साथ दे रहा है, आज काफ़ी सुंदर मौसम हुआ है। मौसम भी काफ़ी सुंदर हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण आप देख सकते हैं हरियाली चारों ओर, मेरे घर के चारों ओर हरियाली भी काफ़ी अच्छी हो गई है। बारिश की वजह से एक बड़ा नुकसान होता है गाँव में, जो काम किए होते हैं वो भी अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि ये हमने लकड़ी काट रखी थी ठंडों के लिए, कभी लाइट नहीं होती तो हम पहाड़ी गीजर में इस्तेमाल करते हैं लकड़ियों को गर्म पानी करने के लिए, तो वो भी भीग गए हैं क्योंकि लगातार बारिश है और इसको संभालने का टाइम नहीं मिल रहा है हमें, इसलिए ये भीग गए हैं। अब अगर मौसम सही होगा तो फिर उसके बाद हम इन्हें संभालेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो नए हैं चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, मिलता हूँ मैं दूसरी ब्लॉग पर।